हमीरपुर जिला में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। जिला में अब रैपिड सर्विलांस टीमों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पशुपालन विभाग व वन विभाग को मुस्तैदी बरतने के उपायुक्त हमीरपुर ने निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सबसे पहले बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे, उसके बाद अब हमीरपुर जिला में भी इसकी पुष्टि होने पर पशुपालन विभाग और वन विभाग को मुस्तैदी बरतने के उपायुक्त हमीरपुर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि पशुपालन विभाग और वन विभाग की सर्विलांस टीम इस कार्य के लिए गठित की गई थी, लेकिन अब नादौन में मृत पाए गए कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर और भी एहतियात के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि रैपिड सर्विलांस जिला में शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनको भी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सर्विलांस टीम इन पोल्ट्री फार्म पर भी विशेष नजर रख रही है। जिले में जो है नादौन एरिया के दो कौवे क्रोज का सैंपल जो है मृत कौओं का वो 15 जनवरी के आसपास जो है वो भेजा गया था। वो वाइल्ड में मिलते हैं क्रोज, वो कोई पोल्ट्री के बर्ड्स नहीं है। उनका सैंपल जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है हाल ही में, और इसके चलते हमने जो लोकल वेटनरी डिपार्टमेंट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको आदेश कर दिए हैं, और ऑलरेडी उन्होंने पिछले कल से जो है अपनी रैपिड सर्वेलेंस शुरू कर दी है। उसमें जितने पोल्ट्री ओनर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज कर दिया गया है, और जो बर्ड्स हैं पोल्ट्री में उनकी भी उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। अभी फिलहाल और कोई ऐसी मोर्टैलिटी के केसेस लार्ज स्केल में अभी तक जो है रिपोर्टेड नहीं है, ना ही किसी पोल्ट्री फार्म में या पोल्ट्री शॉप में ऐसी कोई भी जो है इलनेस वाले बर्ड्स की रिपोर्ट आई है। और ये वाइल्ड में है ये बर्ड्स, इसलिए कहाँ से ये उत्पन्न हुई होगी ये बोलना मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो है सर्वेलेंस और कंटेनमेंट जो है वो की जा रही है, और अभी तक ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। कहीं भी पोल्ट्री के किसी बर्ड को जो है इसका इस संक्रमण से संक्रमित होने का कोई भी रिपोर्ट नहीं। जिला में अभी तक पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के बीमार होने की कोई सूचना विभाग और प्रशासन को नहीं मिली है। हालांकि जिला में दो पक्षी मृत पाए गए थे जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से पक्षियों के मृत पाए जाने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।